मोदी जी खुद ही एक चीज हाथ में लेंगे तो जरूर हो सकता है। ये बच्चे को भी लाए गए हैं नॉर्वे से, तो मेरी बच्ची की क्या गलती है? अगर ये बच्ची आ सकती है तो मेरी बच्ची क्यों नहीं आ सकती? दो सालों में, डेढ़ सालों में आप लोग ने कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई, कहाँ कहाँ दर दर भटके? भाई कोई जगह बाकी नहीं रहे, हम नहीं गए। कोई बोले इनको मिलो तुम्हारी कुछ बात बनेगी, यहाँ पे अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई कंटिन्यू जिनसे बातें करे। आप जो समझ रहे हैं ना, हम लोग जितनी बार जिनको बोलते हैं वो पेन से हम लोग जाते हैं। हम लोग हजार बार सबको, हजार लोगों को बोलते हैं, वो पेन से हम जाते हैं, फिर भी हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए सिर्फ बच्ची है। हम बच्चे को नरक में नहीं छोड़ सकते। फॉस्टर केयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फॉस्टर केयर बोला जाता है, फॉस्टर केयर इज पाइपलाइन टू प्रोस्टिट्यूट, फॉस्टर केयर इज पाइपलाइन टू क्रिमिनल। तो ये तो बहुत नरक है क्योंकि बच्चे का कोई है ही नहीं जो उसको सही गलत बताए। फॉस्टर केयर में क्या होता है, दो साल एक फैमिली रखता है, दो साल अगली फैमिली, दो साल कोई और फैमिली, तो बच्चे के दिमाग पे क्या असर होगा इससे? फिर वो क्या करेगा? उसको सही गलत समझाने वाला ही कोई नहीं है। तो हमको ये नरक में उसको नहीं भेजना है, इसीलिए हम हर जगह जा रहे हैं। हम हर जगह, हमारी बात विदेश मंत्रालय तक भी पहुंची है। वो पूरी कोशिश कर रहे होंगे, हमें पूरा भरोसा है, पर अभी हम चाइल्ड सर्विसेज इतनी कट्टर है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार है क्योंकि हमें उनपे अब हमारी वही उम्मीद है। हम थक चुके हैं भाई, हम हर रोज थक जाते हैं, रोते हैं, हिम्मत नहीं रहती है, हर रोज टूटते हैं। फिर हरिया का नाम देख के उसका फेस देख के हिम्मत इकट्ठी करते हैं कि नहीं, ये बच्चे को यहाँ पे नरक में नहीं छोड़ना है।